नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा राम राम खमा गणी कैम छो डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं हंसराज वरखाना के एक ख़ास रिजल्ट की, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है ही है, साथ ही साथ बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूसर घोड़ा है। दोस्तों, हंसराज वरखाना ने वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। सो उसमें से एक बहुत ख़ास नाम है स्टेलियन मार्श। तो दोस्तों, स्टेलियन मार्श के सायर की बात हम कर चुके हैं। सायर इसके हैं हंसराज वरखाना, बहुत ही कमाल के रिजल्ट देने वाला जो घोड़ा था उसी का एक रिजल्ट है स्टेलियन मार्श। और स्टेलियन मार्श जो है उसकी डैम मणि है, मणि लाइन से बिलोंग करती है और मेयर का नाम है मणि फ्रॉम जगजीवन जी, जगजीवन सिंह दादाई ठाकुर साहब। और सायर्ड बाय डैम के जो सायर हैं वो हैं देवराज उदरथल वाला घोड़ा, और इस मार्श के जो ऑनर हैं वो मिश्रा जी हैं, रजनीश मिश्रा जी। रजनीश मिश्रा जी का जो स्टड फार्म है वो राज स्टड फार्म के नाम से है, जो अभी जोधपुर में है। और बहुत ही जल्दी आप अपने घोड़ों को शिफ्ट कर रहे हैं पुष्कर राजस्थान में। पुष्कर में ये एक नया फार्म डेवलप कर रहे हैं और वहीं पे अपने घोड़ों को बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों, स्टेलियन मार्श की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये बहुत ही कमाल का दिखने वाला स्टेलियन तो है ही है और बहुत अच्छी पेडिग्री को बिलोंग करने वाला तो है ही है, साथ साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत कमाल के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में उसके कुछ आपको रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ। काफ़ी काबिले तारीफ रिजल्ट्स जो है मार्श ने दिए हैं। तो दोस्तों, जब इस तरह के घोड़ों की बात होती है तो इनकी लाइनेज, इनकी वंशावली, इनके बॉडी टाइप, कैरेक्टर्स, फीचर्स, मार्किंग, जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है वो के अलावा बात पूरी होती है इनके रिजल्ट्स पे। तो एक घोड़ा अपने आप को प्रूव करता है जब वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जब उस घोड़े के मेयर्स और स्टेलियंस देश में दुनिया में उसका नाम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में मार्श के पहले रिजल्ट की। तो मार्श का पहला रिजल्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत ही कमाल का और बहुत ही एनर्जेटिक आउटस्टैंडिंग ये घोड़ा है और इस घोड़े का नाम है सम्राट। दोस्तों, हाँ जी, सम्राट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्टेलियन मार्श का रिजल्ट है, बेटा है। और इसकी डैम जो है वो लक्ष्मी है। स्टेलियन सम्राट के ओनर जो हैं वो ब्राइट स्टड फार्म गुजरात वाले हैं, नीरज पटेल जी और निकुंज पटेल जी। ब्रेड स्टड फार्म गुजरात में ये घोड़ा है। इसकी डैम लक्ष्मी और इसके सायर जो हैं वो मार्श और इसके ग्रैंड सायर जो हैं हंसराज वरखाना। तो दोस्तों, ये होता है ब्लड लाइन का असर। हंसराज वरखाना खुद जैसे बच्चे प्रोड्यूस किया, जैसे रिजल्ट उसके उतने एनर्जी रखते हैं, उसके रिजल्ट्स के रिजल्ट्स में भी उतनी ही एनर्जी आ रही है। यानी कि ग्रैंडसन होने के बाद भी उसमें वो बात आ रही है। और मार्श जो है वो अपनी ब्लड लाइन को आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करता जा रहा है। और ये है स्टेलियन सम्राट, जो कि एनर्जी आप उसकी देख रहे हैं स्क्रीन पे कितनी ख़तरनाक है। और स्टेलियन की जो हाइट है वो 65 है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये घोड़ा है, कमाल का घोड़ा है स्टेलियन मार्श, जो कि इस तरह के रिजल्ट्स पर सम्राट जैसे रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जिस किसी को भी ये घोड़ा, ये बच्चा अगर आपको लाइव देखना है तो आप गुजरात जाके देख सकते हैं। गुजरात के ब्राइट स्टड फार्म में ये घोड़ा खड़ा है और काफ़ी अच्छे शो वगैरह जीते हैं इसने।
हाँ। तो दोस्तों ये देखिए, ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत और स्टनिंग रिजल्ट ऑफ मार्स। मार्स का दूसरा रिजल्ट अबलक कोल्ट, जिसका नाम है दिलबाग सिंह। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसकी मजबूती और इसकी सुंदरता। दोस्तों ये रियल ब्रदर है फिली कुंज का, फिली कुंज जैसेस्टर्ड फार्म की एक फिली है। और घोड़े की डैम जो है वो सिरताज है, फ्रॉम सिद्धराज। सिद्धराज इसके नाना हो गए दोस्तों। और ऑनर जो है इसके वो अमरदीप सिंह भुल्लर, पंजाब। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का ये रिजल्ट है मार्श का। तो दोस्तों जीन्स में जो कैरी फॉरवर्ड होने का, जो फीचर्स के कैरी फॉरवर्ड होने का जो रहता है, वो आप देख सकते हैं। सिद्धराज घोड़ा जो है एक अबलग घोड़ा है, उसकी कितनी छवि इसके अंदर नज़र आती है। तो ये है मार्श का सेकंड रिजल्ट। ये लो जी, अब आता है मार्श का तीसरा रिजल्ट, जो कि एक मेयर है। इस मेयर का नाम है सावित्री। सावित्री की हाइट है 63.5, 63.5 इंच की ये घोड़ी है। और इसके सायर हैं मार्श। और इसकी डैम जो है वो सीताराम जी वाले घोड़े की है, तो यानी सीताराम जी वाला घोड़ा इसका नाना हो गया। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बेटी में बाप की बहुत छवि नज़र आती है। तो बेटी है ये मार्श की। और जब इसके जब बच्चे आएंगे, इस घोड़ी के जब रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें मार्श की बहुत छवि नज़र आएगी। तो अगर किसी को मार्श जैसा रिजल्ट चाहिए, तो इस घोड़ी से वो रिजल्ट ले सकता है, इसके घोड़ी के रिजल्ट ले सकता है। मेरा ओपिनियन है कि रिजल्ट्स में जब किसी डैम की जो जो फीचर्स आते हैं, वो उसके फादर साइड से आते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 100% ये लोग इसको मान लें। तो ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि डैम साइड में जो फादर के गुण आते हैं, वो काफ़ी काफ़ी कुछ आते हैं। दिस इज द फोर्थ रिजल्ट ऑफ मार्श। ये चौथा रिजल्ट हम मार्श का आपको दिखा रहे हैं, मार्श घोड़े का, जो कि हंसराज वरकर्ण का बेटा है। तो मार्श की ये बेटी है, और ये फिली है, अभी फिली कैटेगरी में है। मयूरी इसका नाम है। टू टीथ कैटेगरी है। हाइट्स की 64 इंचेस हो चुकी है दोस्तों। और इसकी डैम जो है वो अननोन है, जिसके ऑनर हैं किशन सिंह जी। और इस फिली के जो ओनर हैं वो महिपाल सिंह जी राजावत हैं, महिपाल सिंह जी राजावत। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्श का ये रिजल्ट एक अननोन घोड़ी पे आया है। तो एक अननोन घोड़ी से मार्श ने इस तरह का रिजल्ट दिया है। खूबसूरत बोन स्ट्रक्चर, हाइट, मार्किंग बहुत ही कमाल की है दोस्तों। बारे में थोड़ी सी आप जानकारी। माँ तो है सिद्धराज से। अच्छा, उदयपुर पैलेस लाइन से सिद्धराज की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। वो हैप्पी भाई के पास है पंजाब में। अच्छा, और हाँ जी। इसका फादर है मार्स से, मार्स, मार्स वरकाणा वाले का। अच्छा, वरकाने वाले का। और अभी हुई है 23 महीने की ये लगभग। इसका अच्छा, नाम कुंज है। कुंज नाम, कुंज। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर जी। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना। ये है फिली कुंज, जो कि मार्श का रिजल्ट है। मार्श हंसराज वरकाने वाले का रिजल्ट है। और मार्श की ये फिली है, इसकी जो डैम है वो पंजाब में स्टेबल्ड है, हैप्पी बाई के पास, जैसा कि प्रशित बना ने बताया वीडियो में। और जो इसकी डैम है वो सायर्ड बाय सिद्धराज है। सिद्धराज एक अबलक स्टेलियन है, जो कि केलवा में स्टेबल्ड है, पैलेस लाइन से बिलोंग करता है। और ये जो फिली आप देख रहे हैं, इसकी डैम पंजाब में है। और ये फिली जो है वो रणसी गांव में जसेस्टर्ड फार्म है, वहाँ पे स्टेबल्ड हैं, जिसके ओनर हैं हुकम सवाई सिंह जी रणसी और परीक्षित बना रणसी, जो कि इंटरव्यू में आपको दिख रहे हैं। सो दोस्तों कमाल के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, फुल पैकेज रिजल्ट्स मार्श दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो नाउ सिक्स्थ रिजल्ट ऑफ मार्श, मार्श बाय हंसराज वरखाना।
छठा रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। फिली नूरा टू टीथ कैटेगरी में है, हाइट 63 इंचेज हो चुकी है। सायर आपको पता ही है जिसकी बात हो रही है, हंसराज वरखाना का बेटा मार्श, और इसकी डैम प्रभात की बेटी, तो इसका नाना हो गया प्रभात। फिली स्टेबल्ड है हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में, और इसके ऑनर हैं कुलदीप जी ढंड। सो बहुत ही कमाल की लाइनेज बिलोंग कर रही है दोनों साइड से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिली है, बहुत ही कमाल की प्रोजनी। वी विल टॉक अबाउट सेवेंथ रिजल्ट ऑफ मार्श, मास का सातवां रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। मेयर विजय लक्ष्मी, इसकी डैम लक्ष्मी है जो कि किशन सिंह जी जतारिया इसके ऑनर हैं, और इस घोड़ी के ऑनर जो आप देख रहे हैं, जो मार्श की बेटी है, मार्श का रिजल्ट है, उसके ऑनर हैं पीयूष कोठारी जी। नाउ मार्श का एक बहुत ही यंग और क्यूटेस्ट रिजल्ट जो कि सताना स्टेट फार्म में स्टेबल्ड है। सताना स्टेट फार्म में ये फिली है न्यू बॉर्न फिली, और ये मार्श की है, बहुत ही सुंदरता में कमाल की है, और सताना स्टेट फार्म ब्यूटी को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, तो वैसे ही बहुत खूबसूरत फिली है, और शो में आने वाले शोज़ में ये विनर, डेफिनेटली विनर बनने वाली है दोस्तों। सो दोस्तों, मार्श जैसे घोड़े का ऑनर एक प्राउड की बात है, इस तरह के घोड़े का मालिक होना एक गर्व की बात है। तो रजनीश मिश्रा जी को एक बार फिर से बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने इस तरह के घोड़े की सेवा की है, और ये घोड़ा सेवा के फल में आपको इस तरह के रिजल्ट दे रहा है। आपका ये घोड़ा आगे फ्यूचर में आपका बहुत बहुत नाम करे, ऐसी हम आशा रखते हैं, ऐसी हम मनोकामना करते हैं, और इस घोड़े को, इस तरह के मारवाड़ी यशो जगत में भूमिका निभाने वाले घोड़े को हम आशा करते हैं कि इसकी उम्र ईश्वर बहुत लंबी करे, इसको बहुत लंबी उम्र दे, ऐसे ही ये मारवाड़ी यशो जगत में अपनी भागीदारी निभाता रहे और सुंदर अश्व रिजल्ट्स देता रहे, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। सो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रजनीश मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दस फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा राम राम, कमागनी आपका दिन मंगलमय हो, थैंक यू सो मच।